आपको क्या तकलीफ है? लोग अगर अपने गुस्से को जाहिर करने के लिए मोमबत्ती जला लेते, आपका दिल क्यों जल रहा है? ये उसी खुद नहीं कर रहा है, इसको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि इनको रोको, क्योंकि ये जो मंच है ये हक बोलने वाला मंच है, ये किसी से डरने वाला नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये जितने हकीकत को छुपाने वाले हैं, कानून को दबाने वाले हैं, आपके नजर में पर्दा डालने वाले, उस सारे पर्दा को फाड़ के आपको सच्चाई दिखाने वाला ये मंच है। तभी इस मंच से इतना गुस्सा, ऑफिसर बोल रहे आपनारा एत आंदोलन कैन कर एक तो पाकसाकस मैदान होता जकेरिया स्ट्रीटे हमटा इकगालपुरे हर एक कैन कर তাহলে ওইগুলো যখন হচ্ছে কোনো অসুবিধা নেই, তাহলে এইটা হলে আপনাদের অসুবিধাটা কেন হচ্ছে? কোথাও তো অসুবিধা আছে, কারণ এখানে আসল কথাটা বলার লোক আছে। আপনারা খোঁজ নিয়ে জানবেন কোথায় কার আন্ডারে কোন মুভমেন্ট চলছে। শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্ডারেও একটা মুভমেন্ট চলছে। কিরকম মুভমেন্ট চলছে? সিএবি যখন পার্লামেন্টে পেশ হলো, তার এগেনস্টে ভোট দিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 8টা MP পার্লামেন্টে পৌঁছাতে পারলো না। তার মধ্যে নুসরত জাহান, মিমি চক্রবর্তী, দেব, আর অনেক কেউ ছিল। কি অদ্ভুত কথা, অজীব ক্যা বাত দেখিয়ে, জো সিএবি কে খিলাফ ভোট পার্লামেন্টে নেই দে পায়া, ও নুসরত আর মিমি কো লেকে চিফ মিনিস্টার ফ্যাশন শো কর রিয়া সড়ক মে, ও মিছিল নিকাল লিয়ে কি হমকো সিএ রোকনা হ্যায়। আরে সিএ কো রোকনে কা জগা পার্লামেন্ট থা, হুয়া নেই রোকি, অভি সড়ক মে সিএ কো কাইসে রোকিয়েগা? 8 MP গায়েব থে। तो ममता बनर्जी वो 8 MP को क्या सस्पेंड की, पार्टी से निकाल दी, अपना गुस्से का इजहार की? कुछ नहीं की, बल्कि उसी को लेके सड़क में लोगों को बेवकूफ बना रही है कि देखो मैं सीए के खिलाफ हूँ, सीए के खिलाफ हूँ। क्या ऐसे सीए को रोकेंगे? अभी राज्यसभा में जब ये बिल गया, विधान लोकसभा में पास हो गया, तो राज्यसभा में बीजेपी का मेजोरिटी नहीं था, पास नहीं होना चाहिए था, लेकिन पास हो गया और जरूरत जितना था उससे ज्यादा वोट मिल गया। किसने वोट दिया? जो लोग लोकसभा में इस बिल का विरोध नहीं किए थे, वो लोग क्या राज्यसभा में विरोध कर दिए? क्या यकीन करने वाली बात है? जब 3 दिन पहले 5 दिन पहले विधानसभा में ये सीए के खिलाफ प्रस्ताव बुलाया ऑपोजिशन लीडरों ने, तब वो बोले नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अभी आप बोल रहे हैं कि नहीं, अभी हमको उसके खिलाफ 27 तारीख को एक प्रस्ताव लाएंगे। ये क्या हो रहा है? ये खेल तमाशा हो रहा है? जो चीज गलत है, नाजायज है, हमारे लिए खतरनाक है, 7 महीना पहले से हम लोग चीख रहे हैं। हमें लोग बोलते हैं कि भाई ये सारे अल्फाज आप ही ने सिखाया है, NPR का तो नाम पहला मरतबा आप ही के मुंह से सुना था, ये ज्वाइंट फोरम नहीं बताया था, ये NRC, NRIC, CAB, CAA, ये सारा बात आप ही ने सिखाया। तो जो बात हम 7 महीना पहले बोल सकते हैं, इतना देर में श्रीमती ममता बनर्जी को क्यों समझ में आ रहा? कल तक वो NPR का नोटिस जारी किए, ऑफिसर को ट्रेनिंग दिए और डिटेंशन कैंप बनाने का परमिशन दिए, जब मामला आम हो गया तो बाद में बोल रहे कि NPR को रोक रहे हैं। तो रोक रहे हैं, चालू क्यों किए थे? अगर ये अच्छा चीज था तो चालू क्यों किए, बंद क्यों कर रहे हैं? और अगर खराब चीज था तो आप चालू किए थे? अगर हम लोग नहीं रहेंगे तो पब्लिक को कुछ भी समझा के आप निकल जाएंगे, क्योंकि सारे लोग कानून का किताब पढ़ के समझने वाले नहीं है। हम कानून का किताब पढ़ पढ़ के लोगों के सामने सच्चाई पेश कर रहे हैं, तो आपको तकलीफ हो रही है, बोला डंडा मार के इन लोगों को भगा दो। मैं पूरे कलकत्ते के लोगों को बोल रहा हूं, दूर दराज के लोग दूर में है तो आप आ जाओ, आप आ जाओ। न्यू मार्केट के सामने चैपलिन स्क्वायर में हम लोग हैं, हमारी माँ बहन भी यहाँ है। और अगर यह पुलिस का सोच है कि CM का ऑर्डर है तो CM बड़ा है या मेरी माँ बड़ा है, मेरी बहन बड़ी है, वो हम देख लेंगे। आप ताकत आजमा के देखो, पूरा बंगाल में आपका नंगा नाच होगा कि आप वहां के पब्लिक के हैं या कुर्सी के हैं। हम लोग सब समझ रहे हैं, 11 तारीख को राजभवन में बैठ के मोदी के साथ आपका मीटिंग हम लोग भूलेंगे नहीं। जब पूरा बंगाल खड़ा है, मोदी को दाखिल होने नहीं देंगे, आप वहां उसके साथ आराम से बात कर रहे, दिल्ली में भी जाके बात कर रहे। कल तक देखिए, हम लोग इनके खिलाफ एक बात नहीं बोले थे, क्योंकि हमारा लड़ाई तो मोदी के साथ है,
अमित शाह के है, आरएसएस के खिलाफ है, हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, तो आपको परेशानी क्यों है कि मोदी के खिलाफ हम बात बोले तो आपको तकलीफ क्यों है? अमित शाह को अगर गाली देते हैं तो आपको तकलीफ क्यों है? आप मेरा गला घोटने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप मजबूर कर रहे हैं, आप मजबूर कर रहे हैं हमारे रास्ते में। मोदी और हमारा जो आर पार का लड़ाई है उसमें बीच में आप दखलंदाजी कर रहे हैं, आपका पुलिस माहौल खराब कर रहा है। नहीं तो हम लोग तो सिर्फ इतना सा रिक्वेस्ट किए थे, ये जो अमीनिया का सामने का जो पोर्शन है पार्किंग लॉट है, एक किनारे ये बैरियर से घेर के दे दीजिए, हम लोग उस अहद के अंदर में, उस अहाटे के अंदर में हम लोग रहेंगे, पीसफुल हम लोग धरना करते रहेंगे, 7 दिन रहेंगे, करने दीजिए। अभी ममता बनर्जी के धरना रानी राजमोनी में चल रहा है, आप देखिए चिड़िया भी हुआ झांकी नहीं मारता है, फांका जगह को घेर के लाखों रुपया खर्चा करके शहर का सबसे जो अहम रास्ता है उसको आराम से बंद करके बैठी हुए हैं, क्योंकि आप सीएम है तो पूरा बंगाल आपका प्रॉपर्टी बन गया। और हम इस बात का नागरिक है, इस देश का, हम टैक्स देते हैं, हमको एक छोटा सा जगह नहीं मिल सकता? ये डेमोक्रेसी है? बार बार बोल रहे मोदी के खिलाफ लड़ाई है, अमित शाह के खिलाफ लड़ाई है, बीजेपी के खिलाफ लड़ाई है। हम तो वोट मांगने नहीं आए, अगर मोदी खत्म हो जाएगा तो जाहिर है कि वोट आपको मिलेगा, फायदा आपको होगा। सीपीएम कांग्रेस मैदान में है नहीं, फिर समझ में नहीं आता है कि ममता बनर्जी का क्या मोहब्बत है मोदी अमित शाह के साथ, क्या उसको गाली देते हैं तो आपको तकलीफ क्यों होता है? बहुत बहुत अजीब गरीब बात है, लेकिन हालात इतने नाजुक हैं। हमारे जो असल लड़ाई है एनआरसी के खिलाफ, एनपीआर के खिलाफ, इसलिए हम लोग ममता बनर्जी कुछ भी उल्टा सीधा करें हम लोग उधर झांकते नहीं है, नजरअंदाज करते हैं, बोलते नहीं है। अरे आज के डेट में टीएमसी के लोग भी बेवकूफ नहीं है, वो चाहे एक बूथ का भी लीडर हो ना, वो भी सब समझ रहे हैं, हम भी सब समझ रहे हैं, लेकिन हमारा पहला दुश्मन कौन है? मोदी अमित शाह है, बीजेपी को खत्म करना है, यही हमारा नारा है। सुबह से रात तक हमारे बहनें भी नारा मोदी के खिलाफ दे रहे हैं, बच्चा बच्चा मोदी अमित शाह के खिलाफ है, तो फिर ममता बनर्जी क्यों उनके तरफ है? या तो आप उनके तरफ है या तो मेरे तरफ होंगे, हम लोगों के तरफ होंगे, बीच का कोई जगह खाली नहीं है। या तो लोग भारत के अवाम के साथ होंगे या तो मोदी अमित शाह के साथ होंगे, और यह फैसला का घड़ी आएगा, फैसला का घड़ी आ चुका है। जो मोदी अमित शाह का साथ होगा वो हमारा नहीं हो सकता है। आप अपने किरदार से साबित कर रहे हैं कि आप मोदी अमित शाह का पैरवी कर रहे हैं। अगर आप मोदी अमित शाह के साथ हैं तो हमको भी आपके बारे में सोचने में मजबूर कर दीजिएगा। बार बार बोल रहे हमारा लड़ाई हमको लड़ने दीजिए, ये शहरियत बचाने का लड़ाई है, संविधान बचाने का लड़ाई है, भारत को बचाने का लड़ाई है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, सिर्फ दुश्मनी मोदी अमित शाह और बीजेपी के साथ है। आप देखिए कि बीजेपी का कोई तीसरा आदमी का नाम भी नहीं लेते हम लोग, बीजेपी का और भी लीडर है बहुत कुछ बोलते हैं, हम लोग किसी को देखते भी नहीं झांक के। हमारा दो आदमी से दुश्मनी है, मोदी और अमित शाह, और ये बीजेपी पार्टी को हम लोग जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहते हैं। यहाँ स्टूडेंट है, हिंदू मुस्लिम सारे लोग आके अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों ये जो सरकार है इसको तकलीफ है। ये पुलिस वो बेचारा क्या करेगा, उसको ऊपर से फोन मार दिया कि उन लोग को किसी भी तरह से हटाओ। अब आपके ऊपर है कि आप बोलिए क्या हम लोग हट जाएं यहां से, आप लोग साथ देंगे ना, पूरी रात पूरी दिन चौकसी करेंगे ना? देखिए हम लोग मर मिटने के लिए तैयार है, गोली खाने डंडा खाने के लिए तैयार है, लेकिन अपनी माँ के ऊपर बहन के ऊपर कोई आँच आएगा सब कुछ खाक हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ये खेल नहीं, तमाशा नहीं है। जो लोग घर से बाहर नहीं निकलते, नकाब पोश औरत इस खुली आसमान में इस ठंड में बैठे हैं, आप ममता बनर्जी एक औरत है ना, अब इस बात का कीमत आप समझ सकती है? एक पर्दा नशीन औरत जो किसी गैर मर्द के सामने नहीं आती है, वो खुली सड़क में आसमान के नीचे बैठी है, क्योंकि उनका भी घर में छोटा बच्चा है, वो अपने बच्चे के लिए इस जमीन को बचाना चाहते हैं, उनका भी एक छोटा सा घर है, उनका भी एक जिंदगी है। आप सीएम है लेकिन हमारी माँ बहन का भी तो कुछ इज्जत है ना, आप कैसे पुलिस को इंस्ट्रक्शन देते थे कि इन लोग को यहां से हटा दो भगा दो? हमने सिम्बार का भी ऑफर दिया, हमने बोला स्टेटमैन के सामने ऑफर दिया, हमने बोला वाई चैनल दे दो, हमने बोला मेट्रो चैनल दे दो, शहीद मीनार दे दो, नहीं नहीं देंगे। तो हम भी आपको बोल रहे हैं,
अब कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। आप अपना जगह तय कर लो। और हम तो बोल रहे हैं, हमको यहाँ पुलिस का कोई सिक्योरिटी मदद कुछ चाहिए नहीं। आप घर में जाइए, लाल बाजार में जाइए, दफ्तर में जाइए, आराम कीजिए। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम हिंदू मुसलमान एक दूसरे का पहरेदारी करने के लिए, खातिरदारी करने के लिए यहाँ काफी है। किसी सरकार की जरूरत नहीं है, न सेंट्रल गवर्नमेंट की, न स्टेट गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट को हम खिलाते हैं टैक्स से, और स्टेट गवर्नमेंट को भी आधा जीएसटी हम ही देते हैं। हमारे ही पैसा से तुम चलोगे और हमें आग दिखाओगे। ये दोहरा नीति नहीं चलेगा। या तो दोस्त बना लो जो हमारे वोट से आप